हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल रेल ज्ञान टर्मिनल में। आप देख रहे हैं रेल समाचार। दरभंगा स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य जांच हेतु हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया। इस मशीन पर यात्री निर्धारित शुल्क देकर अपनी स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांच करा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रकाश पर्व के अवसर पर 22 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। ये सभी ट्रेन दिनांक 25 दिसंबर 2019 से 8 जनवरी 2020 तक 2 मिनट के लिए यहां हॉल्ट करेंगी। गाड़ी संख्या 22351/52 पाटलिपुत्र यशवंतपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का परिचालन 27 दिसंबर 2019 से LHB रैक वाली ट्रेन से किया जाएगा। कटिहार से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलाया गया, जिसने मालगाड़ी को कटिहार से 24 दिसंबर की रात 11 बजे चलाकर आज सुबह 8:08 पर रास्ते में बिना किसी रुकावट के न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा दिया गया। मध्य रेल का नव विकसित वर्धा रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए समस्त आवश्यकता व आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। टाटानगर से हैदराबाद के लिए एक विंटर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी नंबर 07439 7 जनवरी से 31 मार्च तक चलाई जाएगी। उससे पहले इस ट्रेन को 1 जनवरी 2020 को 82735 सुविधा स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। चेन्नई से विजयवाड़ा के बीच चलने वाली 12077/78 जन शताब्दी एक्सप्रेस में 27 दिसंबर से 26 जनवरी 2020 तक के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर एक AC चेयर कार और 4 सेकेंड क्लास चेयर कार के कोच लगाए जाए। ट्रैक मेंटेनेंस के मद्देनज़र खनियान और बैंडल स्टेशन के बीच 25 दिसंबर 2019 से 8 जनवरी 2020 तक रोज़ाना दिन में 90 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। ये ट्रैफिक ब्लॉक दिन के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच रखा गया है। रतलाम मंडल के पताल पानी कालाकुंड रेलखंड को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। देश की पहली फुली विस्टा डोम ट्रेन आज कालका से सैलानियों को शिमला लेकर पहुंची। इस ट्रेन में 6 AC फर्स्ट क्लास के विस्टा डोम कोच लगे हुए हैं। इसका ट्रेन नंबर 52459 हिम दर्शन एक्सप्रेस रखा गया है और इसमें यात्रा करने के लिए आपको ₹630 खर्च करने होंगे। रेलवे द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को देखते हैं।